पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2019 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर स्कूलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसको लेकर सिविल लाइन्स स्थित महाराजा अगस्तसेन इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के छात्रों ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि हम सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और जिसका भी वोट नहीं बना है वो अपना वोट जरूर बनवा लें। चुनाव के दिन भारी संख्या में जाकर वोट डालें और अपने मत का सही प्रयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए मजबूर करें। उनके साथ जाकर उनको उनके वोट का महत्व बताएं, क्योंकि ये अधिकार नहीं हमारा हक है और देश की तरक्की के लिए अच्छी सरकार चुने। महानगर वासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमें गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारा 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2019 को। तो हमें गणतंत्र दिवस पे ये लोकतंत्र का जो हमें अधिकार मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, असंख्य बलिदानियों ने बलिदान दिया इस दिवस के लिए कि हमारा अपना आज़ाद हो देश और हमारा अपना संविधान हो। उस संविधान को सही तरह से 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। उसके बाद से इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो एक कल एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, उस पर मैं अपने शहरवासियों से नगरवासियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जब भी मत का दिन आए, जिस दिन मताधिकार का दिन आए, उस दिन अपना वोट का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। कई ऐसे थे जिनका बलिदानियों ने बलिदान दिया इस वोट का अधिकार पाने के लिए। आज हमें वोट का अधिकार मिला है तो हम उस दिन को क्या करते हैं, छुट्टी के रूप में मना के इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन वोट नहीं डालते। फिर हम ऐसा व्यक्ति चुन जाता है जो हमें उसे साल भर 5 साल तक उसे कोसते रहते हैं। तो हमें यही अपील है सबसे नगरवासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी 18 साल के 1 जनवरी 2019 तक 18 साल के हो चुके हैं वो अपना वोट बनवाए और वोट बना के इस वोट की जो बगिया है इसमें अपना वोट मताधिकार जरूर करें और जब वोटरों का दिन आए उस दिन अपना वोट जरूर डालें, जिससे कि इस मजबूत लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में आप सबकी भूमिका निर्णायक है। और सोच समझ के जाति धर्म से ऊपर उठकर सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो देश के विकास में, देश के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके।